हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों का इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस फोटो को अपने लाइटरूम में ओपन करता हूं। यहां से लाइटरूम में ऐड हो रहा है, ये लाइटरूम में ऐड हो गया, मेरा लाइटरूम में आ गया है मेरा। तो यहाँ आप लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके एक्सपोजर को कम थोड़ा सा घटा लेंगे और कंट्रास्ट को ऐसे बढ़ा लेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शेडो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, वाइट्स इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको हल्का से कम कर देंगे ब्लैक को। वह कलर्स पर क्लिक करना है, मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर मिक्स पर, यहाँ ग्रीन वाले को एकदम ज़ीरो पर कर देना है, हर ज़ीरो कर देना है और सैचुरेशन को भी ज़ीरो कर देना है, ल्यूमिनेंस को हल्का से बढ़ा लें, फिर येलो पर जाना है, हेयर को एकदम माइनस कर देना है, सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है, ल्यूमिनेंस को भी हल्का से माइनस कर देना है। यहाँ पर चलेंगे, फिर ऑरेंज पर जाएंगे और ल्यूमिनेंस को हल्का से बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हल्का से कम कर देंगे, रेड वाले पर जाकर ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, ब्लू पर जाना है, इसके बाद सैचुरेशन को हल्का से बढ़ाना है, ल्यूमिनेंस को हल्का से कम कर देना है, डन वाले सॉरी डन कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ इफेक्ट पर जाएंगे, इसको हल्का से बढ़ा लेंगे, टेक्सचर को क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, विगनेट को माइनस कर देंगे। उसके बाद डिटेल पर जाना है, शार्पिंग को बढ़ा लेंगे, कलर नॉइस बढ़ा लेंगे, स्मूथ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर कलर्स पर आना है, टेम्परेचर बढ़ा लेना है, इसको भी हल्का से बढ़ा लेना है, वाइब्रेंस को हल्का से बढ़ा लेना है, और सैचुरेशन को हल्का से बढ़ा लेना है। तो देखिए गाइस कैसा फोटो था, कैसा हो गया है, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, शेयर पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका फ़ोटो एडिट हो गया। ये आपका फ़ोटो गैलरी में जा रहा है। आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है।